अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि इस बात स्टूडेंट्स भी आए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है, 5 मिनट्स ले लो, जिसने नमाज पढ़नी है नमाज पढ़ लो, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लास्ट में हम मेजरमेंट देख रहे थे। डाटा कलेक्शन प्रोसेस है जिसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, जिसे हमें जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स मिलते हैं, हम आउटकम्स को इवेल्युएट करते हैं। फिर हमने स्टेप्स देखे थे, 4 स्टेप्स हैं। पहले हम इशू आइडेंटिफाई करें, फिर हम सिलेक्ट करें, अपने गोल सेट करें, फिर हम बताएं कि हमने मेथडोलॉजी कौन सी यूज करनी है डाटा कलेक्शन के लिए। स्टेप 4 में हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे। 5 W's देखे थे जो डाटा कलेक्शन में इंपॉर्टेंट है। व्हाट डाटा इज टू बी कलेक्टेड, फ्रॉम होम डाटा इज टू बी कलेक्टेड, हु विल कलेक्ट डाटा, फ्रॉम वेयर डाटा विल बी कलेक्टेड, एंड व्हेन इज द डाटा कलेक्टेड।
डेटा कलेक्शन मेथड में प्राइमरी डेटा कलेक्शन और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन देखा था हमने। मयरमेंट था जिसमें हम मयर करके कोई अपना नंबर या वैल्यू असाइन कर देते हैं, इसे हम मयरमेंट कहते हैं। इसे हमने देखा था कि बीपी अगर हम मयर करते तो हम उसको वैल्यू दे देते हैं, नंबर दे देते हैं, 120/80। फिर कुछ रूल सेट होते हैं मयरमेंट के लिए। अगर हम मैजिकन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारी जो मयरमेंट की फाइंडिंग्स हैं वो हमेशा एक्यूरेट आएगी और उसमें कंसिस्टेंसी आएगी। कंसेप्ट ऑफ मयरमेंट थ्योरीज में हमने डायरेक्टनेस ऑफ मयरमेंट, लेवल ऑफ मयरमेंट, मयरमेंट एरर, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। डायरेक्टनेस ऑफ मयरमेंट में हमने देखा था डायरेक्ट मयरमेंट और इनडायरेक्ट मयरमेंट। डायरेक्ट में जिसमें हम डायरेक्टली मयर कर सकते हैं, देख सकते हैं किसी भी वैल्यूज को, किसी भी फाइंडिंग्स को, जैसे बीपी है, रेस्पिरेशन है, हार्ट रेट है, टेम्परेचर है, ये क्या है, हम डायरेक्टली इसको मयर कर सकते हैं, हम उसकी फाइंडिंग्स को नोट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट में ये था कि हम कोई ना कोई मयरमेंट मेथड तो यूज कर लेते हैं लेकिन हम उसको ऐसे डायरेक्टली मयर नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल बताई थी पेन, तो पेन को अगर हम मयर करें तो हम उसके लिए स्केल यूज करते हैं लेकिन फिर भी इसमें एक पॉइंट उसमें गैप रह जाता है। ठीक है, अगर हम फिजियोलॉजिकल मयर्स भी यूज करें, पेन स्केल भी यूज करें, ऑब्जर्व भी करें, फिर भी सेंटर में साइड पे है वो एक कुछ ना कुछ पॉइंट उसमें मिसिंग रह जाते हैं, तो हम ये हमारे पास इनडायरेक्ट मयरमेंट आ जाती है। हमने लेवल्स मयरमेंट देखे थे जिसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो मयरमेंट थे, या स्केल्स आप कह लो वो थे मयरमेंट। फिर हमारे पास मयरमेंट एरर, जो डिफरेंस आता है हमारे ट्रू मयरमेंट में और जो एक्चुअली हम मयर करते हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस आता है उसे हम एरर कहते हैं। एरर्स की हमने आगे डिफरेंट टाइप्स देखी थी। मेन इसकी थ्री टाइप्स हैं, ग्रोस एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। आगे सिस्टमैटिक एरर को फर्दर तीन में डिवाइड कर दिए गए, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर एंड ऑब्जर्वेशनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में लोडिंग इफेक्ट आ सकता है, मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इन एरर शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो बेसिक उसके हमारे पास एरर्स आते हैं मेजरमेंट एरर, जिसमें हमारे तीन मेन मेजरमेंट एरर्स हैं। आगे फर्दर सिस्टमैटिक के तीन मयरमेंट एरर्स हैं, तो आज डिटेल में देख लेते हैं वन बाय वन मयरमेंट एरर्स क्या हैं। नंबर वन पे जो हमारे पास मयरमेंट एरर है वो है ग्रोस एरर्स। ग्रोस एरर्स क्या हैं? द ग्रोस एरर अकर बिकॉज ऑफ ह्यूमन मिस्टेक्स एंड केयरलेस हैंडलिंग। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द पर्सन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट टेक्स द रॉन्ग रीडिंग और दे कैन रिकॉर्ड द इनकोरेक्ट डाटा। सच टाइप ऑफ एरर्स कम्स अंडर द ग्रोस एरर। द ग्रोस एरर कैन ओनली बी अवॉइडेड बाय टेकिंग द रीडिंग केयरफुली। तो ग्रोस एरर कब आता है? जब कोई भी हम फाइंडिंग को इंटरप्रेट गलत कर देते हैं या उसको नोट गलत करते हैं, केयरलेस हम उसकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं करते, तो जो एरर हमारे पास आता है वो है ग्रोस एरर। ठीक है, ग्रोस एरर हमारे पास आ गए कि हम उसको इंटरप्रेट गलत करते हैं, मींस ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है उसकी अपनी मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, अगर वो उसको केयरफुल रीड कर लेगा तो ये ग्रोस एरर खत्म हो जाएगा। अभी आ रही है आवाज मेरी?
ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास एरर है ग्रोस एरर। ग्रोस एरर किस वजह से हो सकता है? ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से। ठीक है, जो उसको डील कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को या उसको रीड आउट कर रहा है उसकी अपनी मिस्टेक है ना, तो इंस्ट्रूमेंट में कोई इशू है। ठीक है, कि टोटली जो उसको डील कर रहा है उसकी अपनी मिस्टेक है या केयरलेस, वो उसको अच्छे तरीके से हैंडलिंग नहीं करता, तो इस वजह से हमारे पास ग्रोस एरर आता है। तो ग्रोस एरर को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? जब हम अपनी फाइंडिंग्स को या रीडिंग को केयरफुली किसी भी चीज को हम रीड करें तो ग्रोस एरर हम खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स इन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस यूजली कम फ्रॉम दी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। दे मे अकर बिकॉज देर इज समथिंग रॉन्ग विद द इंस्ट्रूमेंट और इट्स डेटा हैंडलिंग सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे जो एरर आ रहा है इसको मीन्स के जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई इश्यू है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ही हमने खराब लिया है तो उस वजह से जो एरर्स आ रहे हैं वो सिस्टमेटिक एरर्स हैं। अब यहाँ पे ह्यूमन की तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो हम अच्छा ग्रोस एरर्स ह्यूमन की मिस्टेक्स हैं। ठीक है, जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से फाइंडिंग नोट करे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बीपी ले रहे हैं तो बीपी की हमने फाइंडिंग देखनी है। ठीक है, उसकी बीपी की फाइंडिंग आई है 120/80, लेकिन जिसने बीपी लिया है वो गलत इंटरप्रेट कर रहा है, उसको रीड करना नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसने गलत बता दिया कि उसकी रीडिंग फॉर एग्जाम्पल 110/75 आई है। तो ये टोटली क्या है? ये ह्यूमन मिस्टेक है। तो इस वजह से जो एरर आएगा वो हमारे पास ग्रॉस एरर आएगा। ठीक है, वो फाइंडिंग को वो अच्छी तरह से रीड ही नहीं कर रहा। तो जब हम अच्छे से रीडिंग करना सीख जाएंगे तो ये ग्रोस एरर के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक हो गया। फिर सेकंड हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर्स जो हमारे पास आते हैं वो हमारे जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं उसमें कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से हमारे पास सिस्टमैटिक एरर्स आते हैं। सिस्टमैटिक एरर्स के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, फर्दर थ्री टाइप्स हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कौन से हैं? एरर्स इंस्ट्रूमेंटल एरर्स अकर ड्यू टू रॉन्ग कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इफ द इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन रॉन्ग मैनर वाइल एप्लीकेशन देन इट विल रिजल्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ठीक है, जब हमने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया और वो था ही गलत। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम थर्मामीटर यूज करते हैं और उसमें अगर मर्करी वो जीरो पे नहीं होती बल्कि थोड़ी सी वो आगे आई होती है, इट मीन्स कि वो जो थर्मामीटर हमने यूज किया था वो स्टार्टिंग से ही खराब हमने इंस्ट्रूमेंट लिया, तो फिर उसे हम जो फाइंडिंग्स बताएंगे या जो भी मेजरमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा? एरर्स उसमें आएंगे। तो ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर आ गया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के खराब होने की वजह से जो एरर है वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ठीक है, या तो इंस्ट्रूमेंट खराब था तो एरर आ गया, या इंस्ट्रूमेंट को हमने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया, जब हमने अप्लाई किया ड्यूरिंग एप्लीकेशन हमने इसको रॉन्ग मैनर में यूज कर लिया है, तभी हमारे पास जो एरर आएगा वो इंस्ट्रूमेंटल एरर आएगा। एनवायरमेंटल एरर्स, ये जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स में मोस्टली जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल इफेक्ट करता था हमारी स्टडी को वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनवायरमेंट की वजह से फैक्टर्स इफेक्ट होंगे तो उसकी वजह से जो एरर आएगा उसे हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स कह देंगे। तो एनवायरमेंटल एरर्स अकर ड्यू टू सम एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एक्सटर्नल कंडीशंस मेनली इंक्लूड प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल एरर्स ट्राई टू मेंटेन द ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कॉन्स्टेंट इन द लेबोरेटरी बाय मेकिंग सम अरेंजमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ बताया गया कि अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो तो एनवायरमेंट भी इफेक्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम थर्मामीटर को ज्यादा ही उसमें हॉट एनवायरनमेंट पर रखते हैं, ठीक है, तो उसकी मर्करी क्या कर देगी? रेज हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही हम उसको यूज कर लेंगे तो क्या होगा? उसकी वजह से ज्यादा रहेगा, फिर वो हमारे पास एनवायरमेंटल एरर आ गया कि एनवायरमेंट इफेक्ट कर गया आपके इंस्ट्रूमेंट पे, तो इसकी वजह से जो एरर आया वो हमारे पास आ गया एनवायरमेंटल एरर।
ठीक है, तो इन्वायरमेंटल एरर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जितनी हमें ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर चाहिए अपने लैब में, हम उतना ही अरेंजमेंट उसकी रखें, ठीक है, कंट्रोल में रखें इन्वायरमेंट को, देन हम इन्वायरमेंटल एरर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई सबको। फर्स्ट हमने देखा ग्रोस एरर, जो ह्यूमन मिस्टेक की वजह से एरर आते हैं। फिर सेकंड हमने देखा सिस्टमेटिक एरर, उसमें से नंबर वन पे हमने देखा इंस्ट्रूमेंटल एरर के इंस्ट्रूमेंट अगर प्रॉपरली वो उसमें कोई बाय डिफॉल्ट उसमें डिफेक्ट है, ठीक है, और हम उस इंस्ट्रूमेंट वैसे उसको यूज करें तो सीरियस एरर है, जो इंस्ट्रूमेंट एरर है या इंस्ट्रूमेंट को हमने गलत तरीके से यूटिलाइज किए तो एरर हमारे पास आ गया। थर्ड हमारे पास है इन्वायरमेंटल एरर्स, इन्वायरमेंट अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट पे इफेक्ट कर देगा तो उसकी वजह से जो हमारी फाइंडिंग्स में या रीडिंग्स में एरर्स आएंगे वो इन्वायरमेंटल एरर्स होंगे। ऑब्जर्वेशनल एरर्स, एज द नेम सजेस्ट These types of errors occurs due to the wrong observations or reading in the instrument. ठीक है, ये भी हमारे वो gross error से मिलता है, मीन सेम ही है लेकिन टर्म डिफरेंट है इसकी। ऑब्जर्वेशनल एरर की हमने इंस्ट्रूमेंट पे ही फाइंडिंग को गलत ऑब्जर्व किए, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में भी ठीक हो लेकिन हमने इसको उसकी फाइंडिंग को या रीडिंग ही गलत नोट की है, तो ये हमारे पास आगे ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशनल एरर्स। ठीक हो गया, लास्ट पे हमारे पास है रैंडम मेजरमेंट एरर्स। इन रैंडम मेजरमेंट एरर द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज विदाउट पैटर्न और डायरेक्शन। इन वन मेजरमेंट द एक्चुअल वैल्यू ऑब्टेन मे बी लोअर देन द ट्रू वैल्यू, वेयर इन द नेक्स्ट मेजरमेंट द एक्चुअल वैल्यू ऑब्टेन मे बी हायर देन द ट्रू वैल्यू। ए नंबर ऑफ चांस सिचुएशंस और फैक्टर्स कैन अकर ड्यूरिंग द मेजरमेंट प्रोसेस दैट कैन रिजल्ट इन रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम मेजरमेंट एरर्स मींस के रैंडमली हमारी स्टडी में एरर आ जाता है। ठीक है, हम इंस्ट्रूमेंट भी ठीक यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी हम ठीक यूज कर रहे होते हैं, एक्यूरेट हम रीडिंग्स बता रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बाय चांस उसमें एरर आ जाता है, रैंडमली एरर आ जाता है। ठीक है, हमें नहीं पता होता कि ये एरर किस वजह से आया है, जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है और जो आपकी ट्रू वैल्यू उसमें डिफरेंस आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेजर करते हो तो आपकी वैल्यू में भी कम आ जाए, ठीक है, सेकेंड टाइम अगर आप दोबारा उसको यूज करते हो तो फिर आपकी मेजर वैल्यू ज्यादा आ जाए, मीन्स के एक दफा आपकी वैल्यू कम आ गई थी और एक दफा आपकी वैल्यू ज्यादा आ गई, तो फिर रैंडम एरर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। ठीक है, जो पहले आपके पास लोअर वैल्यू आई थी और जो सेकंड रीडिंग पे आपके पास जो हाई वैल्यू आई थी, दोनों का आप एवरेज ले लेते हो, फिर आपको बताते हो कि ये एवरेज आपका है, तो इससे हम रैंडम मेजरमेंट एरर को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज लेने से। नेक्स्ट यहाँ पे यही चीज बताई गई है, रैंडम एरर्स इन एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स आर कॉज बाय अननोन एंड अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एरर एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट में अननोन आ जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि किस चेंज की वजह से ये हमारी स्टडी में या इंस्ट्रूमेंट में ही एरर आया है। द पर्पस ऑफ मेजरिंग इज टू एस्टिमेट द ट्रू वैल्यूज यूजुअली बाय कंबाइनिंग अ नंबर ऑफ वैल्यूज एंड कैलकुलेटिंग एन एवरेज। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू से प्रेजेंट कर देते ताकि जो रैंडम एरर आया है उसको हम खत्म कर दें। एन एवरेज वैल्यू सच एज द मीन इज अ क्लोजर एस्टिमेट ऑफ ट्रू मेजरमेंट। ठीक है, जो हम एवरेज लेते हैं हम उसको मीन कहते हैं।
एज द नंबर ऑफ रैंडम एरर्स इंक्रीजेस द प्रिसीजन ऑफ द एस्टीमेट डिक्रीज, ठीक है, जितने हमारे स्टडी में रैंडम एरर चांसेस ज्यादा होंगे उतनी हमारी स्टडी के जो प्रिसीजन एक्यूरेसी है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो जितने रैंडम एरर्स के चांसेस कम होंगे हमारी स्टडी की प्रिसीजन एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। तो ये हमारे पास आ गया रैंडम मेजरमेंट एरर, ठीक है। रैंडम मेजरमेंट एरर जो बाय बाय चांस हमारी स्टडी में एरर आ जाते हैं अननोन चेंजेस या अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस की वजह से हमें नहीं पता होता कि ये जो एरर आएगी किस वजह से आए। तो इस एरर को खत्म करने के लिए अगर हम फर्स्ट पे मेजरमेंट लेते हैं फर्स्ट टाइम पे, तो हमारे पास मे बी जो मेजरिंग वैल्यू है वो कम आई हो, ठीक है। सेकेंड टाइम हम फिर दोबारा से मेजरमेंट लेते हैं तो हमारी वैल्यू हाई आती है। तो फिर हम क्या करते हैं इन दोनों का एवरेज, जो हमारे पास जो वैल्यू रहती है हम वो बता देते हैं। तो एवरेज लेने से, मीन लेने से हम रैंडम एरर को खत्म कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको एरर्स? चलो ठीक हो गया, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। वैलिडिटी, मेजरमेंट थ्योरी में जो रूल्स में था हमारे पास है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। आगे हम इन दोनों के फर्दर टाइप्स देखते हैं। वैलिडिटी की टाइप्स कौन कौन सी है, रिलायबिलिटी की टाइप कौन कौन सी है। वैलिडिटी के फर्दर टू टाइप्स हैं, टेस्ट वैलिडिटी एंड एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी। वैलिडिटी की क्या डेफिनेशन थी? वैलिडिटी हम किसे कहते हैं? वैलिडिटी में हम ठीक हो गया, इसमें हम एक्यूरेसी चेक करते हैं, ठीक है। इसकी फर्दर टाइप्स हम देख लेते हैं। टेस्ट वैलिडिटी की जो फर्स्ट टाइप है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट रियलिटी, ठीक है। अब आप इसके वर्ड के नेम नेम पे ही आप देखो, कंस्ट्रक्ट मीन्स ठीक है कि जो इंस्ट्रूमेंट या जो टेस्ट जैसे बनना चाहिए था कंस्ट्रक्ट, वैसे ही कंस्ट्रक्ट हुआ है जो उसकी रियलिटी को रिप्रेजेंट करे। तो ये हमारे पास है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है। जो कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे उसको कंस्ट्रक्ट होना चाहिए था वो वैसे ही कंस्ट्रक्ट है, वो रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मीन्स उसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे अगर हम किसी टेस्ट की बात कर लें तो टेस्ट में हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कैसे देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपको बताया गया है कि एम सी क्यूज आपके 50, फॉर एग्जाम्पल 50 एम सी क्यूज होंगे, ठीक है।
ये 60 MCQs होंगे, 60 मार्क्स के, और 40 मार्क्स के आपके SEQs होंगे। तो अगर जैसा आपको बताया गया है वैसे ही आपको जो टेस्ट है वो कंस्ट्रक्ट वर्ब वैलिडिटी मींस उसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी प्रेजेंट है। ठीक हो गया। होगी हमारे पास से कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी ऑफकर्स व्हेन द एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स अगर वैसे भी नहीं बोलूंगा कंसेप्ट नहीं होता मीन्स उसमें कंसेप्ट वैलिडिटी प्रेजेंट नहीं है। हमारे पास है कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी अक्कर्स व्हेन द एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स एडिक्वेट कवरेज ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग स्टडीड। दिस इंक्लूड मेजरिंग द राइट थिंग्स एज वेल एज हैविंग एन एडिक्वेट सैंपल। सैंपल शुड बी बोथ लार्ज इनफ एंड बी टेकन फॉर एप्रोप्रिएट टारगेट ग्रुप्स। कंटेंट वैलिडिटी में आपने देखना है कि वहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स पे उन्होंने स्टडी करनी थी, उन्होंने इतने सब्जेक्ट्स को अपनी स्टडी में इनरोल किया। ठीक है, एडिक्वेट सैम्पल साइज यूज़ करना था, लार्ज सैम्पल साइज होना चाहिए था, जो उनकी टारगेट पॉपुलेशन थी उनके अकॉर्डिंगली वो सैम्पल साइज इनफ था। अगर ये सारी चीज़ें स्टडी में इंक्लूड है तो मीन्स उसमें कंटेंट वैलिडिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो टोटली ही जैसे कंस्ट्रक्ट होना चाहिए था वैसे कंस्ट्रक्ट नहीं, तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी खत्म है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत उन्होंने कंस्ट्रक्शन जैसे चीज़ें आनी चाहिए थी वैसे फॉलो की हैं तो इट मीन्स उसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी लो हो गई। कंटेंट वैलिडिटी फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप लोगों को कोई टेस्ट आता है, ठीक है, एग्जाम जैसे आपको आता है, अगर आपको बताया जाए कि फर्स्ट फिफ्थ चैप्टर में से आपको कंटेंट आएगा, ठीक है, उसमें से आपको टेस्ट आएगा, अगर उन्हीं में से ही चैप्टर्स में से आपको टेस्ट आता है तो मीन उसमें कंटेंट वैलिडिटी प्रेजेंट है। ठीक हो गया कंटेंट वैलिडिटी। स्टडी की बेस पे देखना है कि सब्जेक्ट जितने उन्होंने कवर करने थे अपने स्टडी के लिए, जितने पार्टिसिपेंट होने चाहिए थे उन्होंने उतने ही यूज़ किए हैं, जितना सैंपल साइज उन्हें चाहिए था उन्होंने एडिक्वेट उतना ही सैंपल साइज यूटिलाइज किया हुआ, तो स्टडी की कंटेंट वैलिडिटी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल शेयर करूँ तो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ये भी देखिए, अगर हम आप लोगों को कोई एग्जाम देते हैं और बताते हैं कि ये चैप्टर एग्जाम के लिए आपने प्रिपेयर करना है, अगर उनसे ही आपको टेस्ट आते थे तो मीन उस टेस्ट की कंटेंट वैलिडिटी प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे अगर UHS के एग्जाम्स की बात कर लें तो अगर उसकी अगर हम कंटेंट वैलिडिटी देखें तो उसमें फिर वो हाई लो आ जाता है, क्योंकि वो टोटली जो कंटेंट आपको दिया जाता है उसके अकॉर्डिंगली वो नहीं आता। ठीक है, तो उसमें फिर कंटेंट वैलिडिटी लो मॉडरेट इस तरह हम कह सकते हैं कि उसकी कंटेंट वैलिडिटी प्रेजेंट होती है लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। अगर एग्जाम टोटली ही आउट ऑफ सिलेबस है तो इट मीन्स कंटेंट वैलिडिटी खत्म है।
ठीक है, अगर मिक्सअप आती है, थोड़े से क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से आउट ऑफ आते हैं, तो इट मीन इसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी लो है। ठीक है, टोटली ही आउट ऑफ कंटेंट, एक भी क्वेश्चन आपके कंटेंट मिस नहीं है, तो आपकी कंटेंट वैलिडिटी खत्म होगी। थर्ड हमारे पास है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। दिस एग्जामिन्स द एबिलिटी ऑफ मेजर टू प्रिडिक्ट अ वेरिएबल दैट इज डेजिग्नेटेड एज अ क्राइटेरियन। अ क्राइटेरियन मे वेल बी एन एक्सटर्नली डिफाइंड गोल्ड स्टैंडर्ड। अचीविंग दिस लेवल ऑफ वैलिडिटी दस मेक्स रिजल्ट्स मोर क्रेडिबल। ठीक है, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी में हम एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं जिसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो बाकी फाइंडिंग्स आती है कंपेयर करते हैं, अगर वो उस लेवल तक अचीव कर लेते हैं तो इट मीन्स उसमें क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हम कोई भी टेस्ट लेते हैं तो एक क्राइटेरिया सेट होता है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे पास वैलिड होता है जिसे हम कंपेरिजन करते हैं अपनी टेस्ट की फाइंडिंग्स को, तो अगर वो उसके साथ मैच कर लें या उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी सुपर नीचे आ जाए तो इट मीन्स उसमें क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हमने कोई क्राइटेरिया सेट कर लिए है उसके बाद हम उसे मैच करते हैं अपने बाकी रिजल्ट्स को, अगर वो उसको अचीव करते हैं या मीट करते हैं तो इट मीन्स उसमें क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी प्रेजेंट है। अच्छा, क्राइटेरियन मीन्स कि हम कोई भी स्टडी करने से पहले या टेस्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं जिसे हम कंपैरिजन करते हैं फिर अपने रिजल्ट्स को या अपनी फाइंडिंग्स को। ठीक है, तो हम एक पहले स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड है, अगर यहाँ तक हमारे टेस्ट की फाइंडिंग्स आएंगी, इसको टच भी करेंगी तो इट मीन्स उसमें क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, जैसे हम टेस्ट कोई भी ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं तो क्या होता है, क्राइटेरिया सेट होता है। ठीक है, एक उसमें वैल्यू सेट होती है कि ये हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड की वैल्यूज हैं, ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया पे अगर ये रिजल्ट्स टेस्ट कर फाइंडिंग्स आती हैं तो इट मीन्स इसमें क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे अगर हम बीपी की एग्जांपल ले लें तो बीपी लेने से पहले हम क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि नॉर्मल बीपी की वैल्यू 120/80 है। ठीक हो गया, अगर हम नॉर्मल बंदों के बीपी लेंगे, ठीक है, तो उनकी वैल्यूज 120/80 ही आनी चाहिए, तो इट मीन्स के उसने वो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर लिए जो हमने क्राइटेरिया सेट किया था जिसे हमने कंपैरिजन करना है, तो वो क्राइटेरिया मीट कर ले, इट मीन्स उसमें क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी अकर्स वेयर समथिंग अपीयर्स टू बी वैलिड। दिस इज ऑफ कोर्स डिपेंड्स वेरी मच ऑन द जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, अब फेस वैलिडिटी क्या है कि कोई चीज आपके सामने आती है तो आपको देखने से ही पता चल जाता है कि इसमें वैलिडिटी प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट। ठीक है, जैसे अगर यूएचएस के एग्जाम्स में आपको पेपर आता है, अभी आप डिटेल में इसको नहीं पढ़ते लेकिन आप फर्स्ट क्या करते हो, आप सारे पेजेस को एक दफा देखते हो कि क्या इसमें चीज मेंशन है। ठीक है, तो उसको देखने से ही आपको पता चल जाता है कि इसकी फेस वैलिडिटी प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट। ठीक हो गया, ठीक है, तो ये चार टाइप्स हैं हमारे पास टेस्ट वैलिडिटी की। ठीक है, फर्स्ट पे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के वो जो टेस्ट है वो कैसा कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, जैसे बताया गया था कि जैसे गाइडलाइंस इसको फॉलो करके वो बनाया गया, तो इट मीन्स उसमें कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी प्रेजेंट है। कंटेंट वैलिडिटी मीन्स जितनी चीजें या जितनी
उसमें चैप्टर्स आने चाहिए थे, ठीक है, जितनी हमारी स्टडी की गाइडलाइंस थी या जितनी इसकी रिक्वायरमेंट थी, वो सारी रिक्वायरमेंट अगर हमने फुलफिल की है तो इसमें इतनी इसमें कंटेंट वैलिडिटी प्रेजेंट है। क्राइटेरियन यदि तो हम क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं, फिर उससे हम अपनी बाकी स्टडी की फाइंडिंग्स को कंपेयर करते हैं, फिर बताते हैं कि इसमें क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट। फेस वैलिडिटी हम उसके फेस से ही मीन्स ओवर जस्ट रिव्यू करके बता देते हैं कि इसकी फेस वैलिडिटी प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट। चलो अब 10 मिनट ले लो मार्क्स के लिए, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी। ये 5:40 हो गए हैं तो 5:50 पे फिर स्टार्ट करते हैं।
जी स्टार्ट करें दोबारा। ओके नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी। इसकी दो टाइप है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है, हमारी इंटरनल वैलिडिटी कब आएगी? जब हम अपने स्टडी के वेरिएबल्स के दरमियान कॉजल रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इट मीन्स हमारी स्टडी में इंटरनल वैलिडिटी प्रेजेंट है। ठीक है, और जब हम अपनी फाइंडिंग्स को ओवरऑल जनरलाइज करेंगे पॉपुलेशन पे, तो इट मीन्स हमारी स्टडी की एक्सटर्नल वैलिडिटी भी प्रेजेंट है। ठीक हो गई, ये हमारे पास वैलिडिटी की टाइप्स हैं। टेस्ट वैलिडिटी की फर्दर हमने फोर टाइप्स देखी हैं, और एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी की टू टाइप्स, इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ गई रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी किसे कहते हैं? अच्छा, इतनी देर आप रिलायबिलिटी बताओ और अपने अभी फर्स्ट लेक्चर की ना अटेंडेंस मार्क करो सारे। अच्छा, अभी सिर्फ 14 ने अटेंडेंस लगाई है, कोई रह गया है अटेंडेंस मार्क करने के लिए तो मार्क करो अपनी अटेंडेंस। फिर स्टार्ट करती हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर भी। ठीक है,
ओके नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, ठीक है, जिसमें हम क्या कंसिस्टेंसी देखते हैं, ठीक है, वैलिडिटी में हम एक्यूरेसी देख रहे थे और यहाँ पे हम अब कंसिस्टेंसी देखेंगे। ओके फर्स्ट देख लेते हैं रिलायबिलिटी की टाइप। फर्स्ट हमारे पास है इंटर रेटर और इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, इसमें हम क्या देखते हैं, यूज टू असेस द डिग्री टू विच डिफरेंट रेटर्स ऑब्जर्वर्स गिव कंसिस्टेंट एस्टीमेट्स ऑफ द सेम फिनोमिना, ठीक है, इट मींस के एक सब्जेक्ट है उसको दो लोग ऑब्जर्व करें तो उसकी फाइंडिंग में जो कंसिस्टेंसी आएगी तो इट मींस इंटर रेटर इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे आप लोगों के एग्जाम में वाइवा होते हैं, जो बीएचएस का एग्जाम का वाइवा होगा, ठीक है, एक आपके इंटरनल एग्जामिनर होता है, ठीक है, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाता है कि एक्सटर्नल जो बाहर से आता है, अगर अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का वाइवा इंटरनल एग्जामिनर लेगा फिर उसी स्टूडेंट का वाइवा एक्सटर्नल एग्जामिनर लेगा, ठीक है, तो उन दोनों की फाइंडिंग्स में जो कंसिस्टेंसी आएगी इट मीन्स उसमें इंटर रेटर इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी उसे हम कहते हैं, ठीक है, मतलब मीन्स जो इंटेलिजेंट होगा तो जो इंटरनल एग्जामिनर है वो भी ऑलमोस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर 25 हाईएस्ट मार्क्स हैं इंटरनल के पास 25 मार्क्स हैं एक्सटर्नल के पास, ठीक है, जो इंटेलिजेंस स्टूडेंट होगा उसको फॉर एग्जाम्पल इंटरनल दे रहा है 23 मार्क्स, ठीक है, और 23 ही इंटरनल ने एक्सटर्नल ने भी दे रहे, टू मीन्स दोनों में कंसिस्टेंसी आ गई, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट को दो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे तो उनकी फाइंडिंग्स में जो कंसिस्टेंसी आएगी इट मीन्स वहाँ पे उसे हम इंटर रेटर इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी के, ठीक हो गया। सेकेंड हमारे पास है टेस्ट री टेस्ट, एडमिनिस्टर द सेम टेस्ट इन मैयर एट टू डिफरेंट टाइम्स टू द सेम ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास एक ही टेस्ट होता है, ठीक है, लेकिन हम उसको टू डिफरेंट टाइप्स पे एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, हमारे पास पार्टिसिपेंट्स का जो ग्रुप है वो सेम होता है, मतलब अगर हमने तीन लोगों को वो टेस्ट देना है तो सेम टेस्ट एक दिन देंगे और वही सेम टेस्ट अगर हम अगले दिन या कुछ टाइम के बाद देंगे तो उसको उसमें जो कंसिस्टेंसी आएगी तो उसे हम टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं। अच्छा इंटर रेटर में दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, इंटर रेटर में क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन उसको जो ऑब्जर्वर है वो दो होते हैं, दो ऑब्जर्वर की फाइंडिंग में जो कंसिस्टेंसी आती है इट मीन्स वो इंटर ऑब्जर्वर या इंटर रेटर रिलायबिलिटी है वहाँ पे, ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दी थी इंटरनल एग्जामिनर की और एक्सटर्नल एग्जामिनर की, तो इंटरनल एग्जामिनर एक ही स्टूडेंट से वाइवा लेगा, ठीक है, इसी स्टूडेंट से वाइवा फिर एक्सटर्नल एग्जामिनर भी लेगा, तो जो इंटरनल की उसमें फाइंडिंग्स आएंगी और जो एक्सटर्नल की फाइंडिंग्स आएंगी, ठीक है, दोनों में अगर कंसिस्टेंसी होगी तो इट मीन्स वो इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी है। सेकेंड हमारे पास है टेस्ट फ्री टेस्ट रिलायबिलिटी, इसमें हम अब इसके वर्ड्स ही आप देख लो, मतलब टेस्ट को दोबारा से री टेस्ट फिर टेस्ट को फिर से हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, सेम हमारे पास पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको हम एक टेस्ट देते हैं फिर कुछ टाइम के बाद वही टेस्ट दोबारा हम देते हैं फिर हम देखते हैं कि इसमें कंसिस्टेंसी आई है, ठीक है, अगर इसमें कंसिस्टेंसी आ गई तो इट मीन्स वो टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी वहाँ पे आ गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी, इसमें हम कैसे देखते हैं, यूज टू असेस द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ टू टेस्ट्स कंस्ट्रक्टेड इन द सेम वे फ्रॉम द सेम कंटेंट डोमेन,
है, सेम कंटेंट में से दो तरह के टेस्ट बना के वो हम टेस्ट करते हैं, तो उससे जो हमारे पास कंसिस्टेंसी आती है, इट मीन्स पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी इसमें प्रेजेंट है। फोर्थ हमारे पास है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, यूज टू असेस द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स अक्रॉस आइटम्स विद इन अ टेस्ट। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें भी हम रिजल्ट कंसिस्टेंसी देखते हैं इंटरनली, मीन्स कि हमारे पास एक क्वेश्चनियर होता है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास फर्दर क्वेश्चन होते हैं, तो उनके रिजल्ट के दरमियान अगर कंसिस्टेंसी आ गई तो मीन्स उसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी प्रेजेंट है। ठीक है, आगे एक एग्जाम्पल है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट में आप देखो इंटर रेटर रिलायबिलिटी, कस्टमर वन इक्वल टू कस्टमर टू। ठीक है, एक ही एट्रीब्यूट को पहले एक बंदा जज कर रहा है, फिर दूसरा बंदा इसको जज कर रहा है, तो जो सेम फाइंडिंग उसमें आएंगी तो इट मीन्स इंटर रेटर रिलायबिलिटी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड में आप देखो टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी, कस्टमर एक ही है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम पे उसको टेस्ट लिया है, उसके बाद सेकंड टाइम हमने कोई चूज कर लिया था सेम वही टेस्ट हमने दोबारा से रिपीट किया है, तो फिर हम देखें इसमें टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी। थर्ड पे आप देखो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, इसमें कंटेंट सेम है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया कुछ क्वेश्चंस के मीनिंग चेंज करके, मीन्स के उसके रिजल्ट्स हमारे पास सेम आएंगे, जो हमारे पास दो सर्वे बना दिए, ठीक है, सर्वे फॉर्म ए बना दिए, सर्वे फॉर्म बी बना दिए, एक ही बंदे को वो हम टेस्ट देके देख रहे हैं कि उसमें कंसिस्टेंसी आती है कि नहीं आती। ठीक है, कंटेंट हमारा सेम होगा, लेकिन हम क्या करेंगे थोड़े से मीनिंग्स या वर्ड चेंज कर लेंगे, वर्ड चेंज कर लेंगे लेकिन उनका मीनिंग दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, हम देखेंगे कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस कस्टमर को, तो अगर उसमें कंसिस्टेंसी आ गई तो मीन्स ये पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल देख लें, अगर हम एक फॉर्म में उसको एमसीक्यूज दे देते हैं बना के, ठीक है, दूसरे फॉर्म में उसको हम एसीक्यूज दे देंगे, ठीक है, कंटेंट हमारा सेम है, उसी में से हमने क्या किया फॉर्मेट चेंज कर दिया, लेकिन जो हम चीज देखना चाह रहे हैं वो हम उसमें अंडरस्टैंडिंग देखना चाह रहे हैं, कंसिस्टेंसी देखना चाह रहे हैं कि वो एमसीक्यूज के फॉर्म में अगर वो क्वेश्चन आते हैं तो वो कितना अंडरस्टैंड करते हैं, और अगर वो ही हम एसीक्यू में देते हैं तो कितनी कंसिस्टेंसी आती है, तो ये हमारे पास पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी आ गई। ठीक है, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी में क्या है, हमारे पास इंडिविजुअल एक ही है लेकिन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हम सेम टाइम पे मयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टेस्ट की बात कर लें, तो टेस्ट में अगर आप लोगों के 5 चैप्टर्स हैं, 5 पे 5 चैप्टर्स को मैंने टेस्ट में इवेल्युएट करना है। ठीक है, या 3 चैप्टर्स फॉर एग्जाम्पल आप कर लो, एट्रीब्यूट नंबर वन हमारे पास हो गया चैप्टर नंबर वन, एट्रीब्यूट टू हमारे पास हो गया चैप्टर नंबर टू, ठीक है, एट्रीब्यूट एम हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर थ्री। अब तीनों चैप्टर्स की कंसिस्टेंसी मैंने देखी है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन पेपर के अंदर उन सभी को इंक्लूड करके मैंने इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी देख लेनी है। ठीक हो गया, समझ आ गई सबको रिलायबिलिटी की टाइप्स, अगर ध्यान से नहीं समझ आई तो आप दोबारा पूछ लो, ठीक है, ताकि मैं रिपीट कर दूं। थोड़ी सी रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, फर्स्ट में इंटर रेटर रिलायबिलिटी, एक ही एट्रीब्यूट है, उसमें हम कंसिस्टेंसी देख रहे हैं दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को देख के, ठीक है, एक ही एट्रीब्यूट को दो डिफरेंट लोग मेजर कर रहे हैं, तो ये इंटर रेटर रिलायबिलिटी है। जैसे मैंने अभी एग्जामिनर्स की एग्जाम्पल दी थी, ठीक है, एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए हम अगर कंसिस्टेंसी देखेंगे उसको कितनी अंडरस्टैंडिंग है एक टॉपिक से रिलेटेड, तो वही टॉपिक एक कस्टमर एक एग्जामिनर सुनेगा, ठीक है, फिर उसी टॉपिक में से कोई दूसरा एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा, तो उसमें रेपिटेशन में अगर उसमें कंसिस्टेंसी आ गई तो मीन्स इंटर रेटर रिलायबिलिटी प्रेजेंट है। ठीक है, एक सब्जेक्ट को दो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उनके ऑब्जर्वेशन में जो कंसिस्टेंसी आएगी वो इंटर रेटर रिलायबिलिटी होगी। ठीक हो गया, सेकेंड हमारे पास आ गया टेस्ट री टेस्ट रिलायबिलिटी, एक ही टेस्ट को एक ही बंदे पे दोबारा हमने कुछ टाइम के बाद
अप्लाई करके देखने। तो अगर फिर दोनों में कंसिस्टेंसी आती है तो इट मीन्स में टेस्ट रीड टेस्ट रिलायबिलिटी प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम पे अगर हमने किसी स्टूडेंट से कोई टेस्ट का रिजल्ट देखना है, ठीक है, तो उससे हमने फील किया कि वो इंटेलिजेंट है तो वो सेम फाइंडिंग्स देगा, ठीक है, अगर उसने पढ़ा होगा वो टेस्ट। कुछ टाइम के बाद फॉर एग्जाम्पल 3-4 घंटे के बाद आप दोबारा से वो फिर टेस्ट उसी बंदे को देते जिसे आपने पहले टेस्ट लिया था, तो आप उसमें सेम फाइंडिंग पाएंगी। ठीक है, तो इट मीन्स टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी प्रेजेंट है। एक ही टेस्ट में जब आपने दोबारा रीटेस्ट किया तो आपकी फाइंडिंग्स सेम आई है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेडिकल में उसमें टेस्ट की बात कर लें, ब्लड टेस्ट की बात कर लें, एक दफा हमने HB लेवल चेक किया, ठीक है, अगर हमें लगता है कोई कन्फ्यूजन है या कुछ गड़बड़ है तो दोबारा से हम उसी टेस्ट को कुछ टाइम के बाद रिपीट करते हैं, तो दोनों में अगर फाइंडिंग सेम आ गई उसमें मेन टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी प्रेजेंट है। ठीक हो गया ये दोनों टाइप्स। थर्ड हमारे पास है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। इसका मतलब है कि एक ही चीज की अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए, कंसिस्टेंसी देखने के लिए इसको हम दो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ही टॉपिक का मैंने देखना कि उसमें कंसिस्टेंसी आती है कि नहीं आती। ठीक है, तो उसको मैंने फर्स्ट जो मैंने इसका फॉर्म बनाया था उसमें मैंने क्या किया था, MCQs मैंने दे दिए। ठीक है, सेकेंड में भी मैंने MCQs दिए लेकिन मैंने थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दी। ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम ही आएगा। इट मीन जिसको सर्वे ए के क्वेश्चन के आंसर आते होंगे उसको सर्वे बी के भी आंसर आते होंगे, दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट है, मीनिंग दोनों के सेम आएंगे, तो वो हमने कंसिस्टेंसी देखनी थी। हमारे पास पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी आ गई। ठीक है, एक ही बंदे की कंसिस्टेंसी देखने के लिए एक ही टॉपिक को डिफरेंट फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करके उसकी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, इसमें कंसिस्टेंसी देखेंगे। तो ये हमारे पास पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी आ गई। फोर्थ पे है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। ठीक है, जैसे आप लोगों की एग्जांपल ले लो, जैसे आप लोगों को टेस्ट आता है या फिर पेपर आता है, ठीक है, इंडिविजुअल एक है, ठीक है, पेपर एक है लेकिन उसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, तो एक ही बंदे पर डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस में कंसिस्टेंसी देखें कि जिसने अगर फर्स्ट 10 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, ठीक है, उसके बाद जो फर्दर 5 क्वेश्चंस हैं उसमें भी कितनी कंसिस्टेंसी, ये तो नहीं कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ने एक्यूरेट दिए और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स उसने टोटली ही गलत दिए, मीन्स इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सारे क्वेश्चन उसने थोड़े थोड़े सभी के आंसर दिए हुए थे तो मीन्स उसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी प्रेजेंट है। जी, अब समझ आ गई सबको। ठीक है, सभी को आगे समझ, तो फिर मैं नेक्स्ट मूव करूं।
है, इसमें भी या तो टोटली एब्सेंट होंगी या प्रेजेंट होंगी या इसमें पार्शली भी आ सकती है, ठीक है। जैसे ये हम जो SPSS पर डाटा एंटर करते हैं, ठीक है, तो जो हम क्वेश्चनेयर टूल यूज करते हैं अपने, उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी हम चेक करते हैं ये प्रोन बैज अल्फा, ठीक है, ये SPSS में एक होता है। अच्छा, यहाँ से हमें पता चलेगा इंटरनल कंसिस्टेंसी कैसी है, ठीक है। एक्सीलेंट है, गुड है, मींस वो थोड़ी सी वो कम होती जाएगी, ठीक है, जैसे जैसे हमारी फाइंडिंग्स होंगी। अब SPSS जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं डेटा कलेक्ट, डेटा एनालिसिस के लिए, उसमें जो हम अपना क्वेश्चनेयर पुट करते हैं, तो अपने क्वेश्चनेयर की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी हम क्रोन बैच अल्फा से चेक करते हैं, ठीक है। ये इसकी फाइंडिंग्स हमारे पास आती हैं, अगर हमारे पास इतनी फाइंडिंग्स आए, अगर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9 उसकी वैल्यू है, तो इट मीन उसमें जो इंटरनल कंसिस्टेंसी थी क्वेश्चनेयर की वो एक्सीलेंट थी, ठीक है। अगर उसमें थोड़ी सी कम आ जाए, 0.9 से कम आ जाए और 0.8 तक आ जाए, इट मीन्स उसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी गुड है, मीन्स लेवल उसके कम होते जाएंगे, ठीक है। ये आलिए आपके क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। जैसे जैसे ये फाइंडिंग कम होती जाएगी, वैसे वैसे इंटरनल कंसिस्टेंसी कम होती जाएगी, ठीक है। अगर अल्फा की वैल्यू 0.5 से कम है, तो इट मीन्स वो उसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी टोटली खत्म होगी, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ठीक है। जब इंटरनल कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो फिर आप अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो SPSS में हम अपना क्वेश्चनेयर को हमेशा क्रोन बैच अल्फा से मेजर करते हैं, जिसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट। नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी एंड लाइक्लीहुड रेशियोस टू डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ डायग्नोस्टिक एंड स्क्रीनिंग टेस्ट। ये डायग्नोस्टिक एंड स्क्रीनिंग टेस्ट की क्वालिटी हम चेक करते हैं, सेंसिटिविटी कितनी है, स्पेसिफिसिटी कितनी है, लाइक्लीहुड रेशियोज हैं जिसे हम मेजर करते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्क्रीनिंग टेस्ट की क्वालिटी को। An important part of evidence-based practice is the use of quality diagnostic and screening tests to determine the presence or absence of disease. ठीक है, evidence based practice हमारे depend करते हैं कि हम कितने किस किस्म का diagnosis और screening test की findings को represent कर रहे हैं, तो उसकी quality हम sensitivity, specificity और likelihood ratio से check करते हैं। Clinician want to know which laboratory imaging study to order to helps the team for our diagnosis of disease when the test is ordered, are the results valid or accurate? ठीक है, टेस्ट के रिजल्ट हैं वो वैलिड हैं या एक्यूरेट है, वो हम चेक करेंगे सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी एंड लाइक्लीहुड रेशियो से। द एक्यूरेसी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट और टेस्ट यूज्ड टू कंफर्म अ डायग्नोसिस इज इवैल्यूएटेड इन टर्म ऑफ इट्स एबिलिटी टू असेस द एब्सेंस प्रेजेंस ऑफ Absence of a disease or condition correctly as compared with the gold standard. The gold standard is the most accurate means of currently diagnosing a particular disease and serve as a basis for comparison with newly developed diagnostic or screening test. ठीक है, जब भी हम कोई टेस्ट करते हैं तो उसकी गोल्ड स्टैंडर्ड एक वैल्यू होती है जिससे हम उसको कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हमारी वैल्यू ज्यादा है तो मीन्स हमारे टेस्ट में टेस्ट की एक्यूरेसी प्रेजेंट है। मतलब फोर पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं जब हम कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं डिजीज के लिए, ठीक है। तो जो टेस्ट है वो हमें ट्रू पॉजिटिव दे सकता है, ट्रू पॉजिटिव में क्या है, विच इज एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव मीन्स जिनको डिजीज थी और जब हमने उसका स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया तो टेस्ट ने भी कह दिया कि उसको डिजीज प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास आ गया ट्रू पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव क्या है, विच इंडिकेट्स दैट अ डिजीज इज प्रेजेंट व्हेन इट इज नॉट, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, इट मीन्स के इस बंदे को डिजीज नहीं है लेकिन टेस्ट कह रहा है कि इसको डिजीज है, ठीक
है, तो हमें टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। फिर हमारे पास है ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स एक्यूरेटली दैट अ डिजीज इज नॉट प्रेजेंट। ट्रू नेगेटिव मीन्स जिसको डिजीज भी नहीं थी, जब उसको टेस्ट कराया तो उसकी डिजीज नहीं आई, ठीक है, तो नेगेटिव आ गया उसका रिजल्ट, तो ये हमारे पास आ गया ट्रू नेगेटिव। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है फॉल्स नेगेटिव, विच इंडिकेट्स दैट अ डिजीज इज नॉट प्रेजेंट व्हेन इट इज, ठीक है, एक बंदे को डिजीज प्रेजेंट नहीं है लेकिन टेस्ट कह रहा है इसको डिजीज है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, तो फोर पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट के, ट्रू पॉजिटिव डिजीज बंदे को डिजीज भी और टेस्ट भी कह रहे हैं कि इसको डिजीज है, फॉल्स पॉजिटिव डिजीज इसको है लेकिन टेस्ट कह रहे हैं कि इसको डिजीज नहीं है। ठीक है, फिर हमारे पास ट्रू नेगेटिव आते हैं और लास्ट हमारे पास फॉल्स नेगेटिव आ गए। ठीक है, ये समझ आ गई, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। अच्छा, ये जो हम टेबल बनाते हैं 2x2 टेबल, जब इसमें हम 2x2 टेबल ड्रा करके उसमें हम सेंसिटिविटी भी कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करते हैं। ये सेंसिटिविटी हमें बताता है कि कितने पॉजिटिव केसेस हैं और स्पेसिफिसिटी हमें बताता है कितने नेगेटिव केसेस हैं जिनको डिजीज नहीं है, ठीक है। सेंसिटिविटी हमें कैलकुलेट करके बताता है कि कितने लोगों को डिजीज है, कितने लोगों को टेस्ट कह रहे हैं कि उनको डिजीज है, और स्पेसिफिसिटी जो नॉन डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ ये वाला टेबल। इस तरह हम जब सेंसिटिविटी स्पेसिफिक काउंट करेंगे तो हमारे पास इस तरह का 2x2 टेबल आएगा, ठीक है, जिसमें डिसऑर्डर नॉन डिसऑर्डर है, राइट साइड में पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट है, नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट है। ट्रू पॉजिटिव मीन्स अगर आप ऊपर से देखो उसको डिजीज प्रेजेंट है, ठीक है, और टेस्ट भी उसका पॉजिटिव है। फॉल्स पॉजिटिव उसको डिजीज नहीं है, नॉन डिसऑर्डर लेकिन टेस्ट उसका पॉजिटिव आ गया, तो ये फॉल्स पॉजिटिव आ गया। इस तरह फॉल्स नेगेटिव में आप देखो उसको डिजीज प्रेजेंट है लेकिन टेस्ट कह रहे हैं इसको डिजीज नहीं है, तो ये फॉल्स नेगेटिव आ गया। लास्ट में आप देखो ट्रू नेगेटिव, इसको नो डिसऑर्डर कोई प्रॉब्लम नहीं है और टेस्ट भी इसका नेगेटिव आ गया, तो मीन्स ही हमारे पास आ गया ट्रू नेगेटिव। अच्छा, नीचे आप देखो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, और स्पेसिफिसिटी का हमारे पास फार्मूला है ट्रू नेगेटिव ओवर ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। भी मैं जैसे एरोस की वजह से बनाती हूँ, फिर आपको ना इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना ये फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास आ गया ट्रू पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया फॉल्स पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया फॉल्स नेगेटिव, यहाँ पे आ गया ट्रू नेगेटिव, ठीक है। सेंसिटिविटी के लिए हम इस तरफ को एरो शो करेंगे, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस, सॉरी नीचे की तरफ आएंगे इस तरफ को, ठीक है, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई सेंसिटिविटी जो हमें बताएगा कितने पॉजिटिव केसेस हैं, स्पेसिफिसिटी
हम इस तरफ को ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। ट्रू नेगेटिव ओवर ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक हो गया। सेंसिटिविटी नीचे की तरफ एलो हमने कर दिया, स्पेसिफिक हमने ऊपर की तरफ एलो कर दिया, इससे आपको फार्मूला याद करने में इजी रहेगा। अच्छा ये एक एग्जांपल है, अगर हम सेंसिटिविटी स्पेसिफिटी कैलकुलेट करें 2x2 टेबल ड्रा करके, जैसे भी मैंने ये बताया इस तरह का आप टेबल ड्रा करो, ठीक है। फिर आप इसमें वैल्यूज पुट करके मुझे बताओ कि कौन सी वैल्यू ट्रू पॉजिटिव में आई, कौन सी फॉल्स पॉजिटिव में आई, कौन सी फॉल्स नेगेटिव में आई, कौन सी ट्रू नेगेटिव में आई, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, सब सब मिलके इसको सॉल्व करो और फिर बताओ क्या आंसर आता है। अच्छा ये टेबल है, ठीक है। फर्स्ट में बात आगे ट्रू पॉजिटिव, इनको डिजीज भी है, जब हमने इनका टेस्ट किया तो पॉजिटिव टेस्ट आया, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव आ गए। फिर सेकंड हमारे पास है फॉल्स पॉजिटिव, इनको डिजीज नहीं थी लेकिन टेस्ट कह रहे हैं इनको डिजीज है, ये हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव आ गए। थर्ड हमारे पास फॉल्स नेगेटिव है कि उनको डिजीज तो थी लेकिन टेस्ट कह रहे हैं कि उनको डिजीज नहीं है, ठीक है, टेस्ट गलत बता रहे हैं, तो हमारे पास फॉल्स नेगेटिव आ गए। फिर हमारे पास ट्रू नेगेटिव, ना तो उनको डिजीज से जब हमने टेस्ट किया तो कोई डिजीज उनके टेस्ट में नहीं है, फिर हमारे पास ट्रू नेगेटिव आ गए, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को आपने इस तरह के 2x2 टेबल में वैल्यूज को पुट करने, आप ये सॉल्व करो ना जब तक अजान हो रही है, ठीक है।
ठीक है, अभी आप नमाज पे कर लेते हैं 10 मिनट्स की, ठीक है? फिर मैं ये एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, 45 हो गया, देन 45 को फिर स्टार्ट करते हैं दोबारा।
सारी एग्जाम्पल सॉल्व कर ली सबने। ठीक है, अगर हम इसका टेबल बनाए तो स्टेटमेंट में आप देखो तो यहाँ पे था कि ग्रुप ऑफ 113 पेशेंट विद प्रोस्टेटिक कैंसर 79 हैव अ पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, मींस 113 जो है वो टोटल है जो डिजीज के साथ है। यहाँ पे है 113, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ये पॉजिटिव है डिजीज बोलते हैं। तो 113 टोटल हमारे पास आ गए डिजीज के, उसमें जो 79 है ठीक है, उसमें जो है 79 उनका टेस्ट पॉजिटिव है। तो मीन्स यहाँ पे आ गया हमारे पास ट्रू पॉजिटिव 79। अब 113 में से आप 79 को माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएंगे 34। ठीक है, 34 आपके पास आ गए फॉल्स नेगेटिव में। ठीक हो गया। सेकेंड, अगर आप देखो इन अ ग्रुप ऑफ 217 इंडिविजुअल्स विदाउट प्रोस्टेटिक कैंसर, मीन्स 217 जिनको डिजीज नहीं है, तो यहाँ पे आगे टोटल आपके 217। फिर उसमें से वो कह रहा है कि 217 में से जिनको डिजीज नहीं है लेकिन 10 ऐसे हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, इट मीन्स 10 हमारे पास यहाँ पे आए। ठीक है, कोई डिजीज नेगेटिव है, डिजीज नहीं है लेकिन टेस्ट कह रहा है कि 10 ऐसे लोग हैं जिनका टेस्ट पॉजिटिव है। तो 10 हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव आ गया। अब 10 को आप 217 में से माइनस कर देता आपके पास 207 आ गया। इस टाइम आपको 2/2 टेबल कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ आ गई सबको। ठीक है, अभी आप इसको फार्मूला में पुट करो और सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी आप काउंट कर लो। सेंसिटिविटी में हम इस तरफ को जाएंगे, स्पेसिफिसिटी में हम इस तरफ को मूव करेंगे, है ना। फार्मूला पुट करो और आंसर बताओ कितने परसेंट सेंसिटिविटी और कितने परसेंट स्पेसिफिसिटी आई। फार्मूला ये एरो लिखा है ना, मैंने शो किया ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ये आपका आ गया सेंसिटिविटी का फार्मूला। ठीक है, और स्पेसिफिसिटी का आपका आ गया फॉल्स नेगेटिव सॉरी ट्रू नेगेटिव ओवर ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव।
तो ये आपके पास आ गया स्पेसिफिसिटी। सेंसिटिविटी में बताएगा कितने परसेंट इंडिविजुअल डिजीज के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिनको डिजीज है। स्पेसिफिसिटी नेगेटिव रिजल्ट बताएगा जिनको डिजीज नहीं है, ठीक है। ये है फार्मूला। आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, तो टेंडेंसी मार्क कर दो अपने साथ साथ। इसके जो आंसर आएंगे ना हमारे पास, वो हम परसेंटेजेस में लिखेंगे, ठीक है। सेंसिटिविटी कितनी आती है, 70% आ रही है, 85% आती है, तो 0.85 आती है, तो जब हम उसको परसेंटेज देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास 85% आ रही है। हंड्रेड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, परसेंटेज में लाने के लिए। हमारे पास सेंसिटिविटी आ गई 85%, ठीक है। स्पेसिफिसिटी हमारे पास आती है 0.95, तो इसका परसेंटेज हमारे पास आ गया 95%, ठीक हो गया, ठीक है। इसकी एक और एग्जाम्पल है, फिर वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक हो गया, समझ आ गई सबको। 70% कैसे आती है? ठीक है, 85 नहीं आती,
79 ओवर 79 प्लस 34 ये निकाला है ना आपने, सेंसिटिविटी में ही चीज आती है। ठीक है 70 आती है, ठीक हो गया। ठीक है 0.699 आते हैं, ठीक है तो ये हमारे पास 70% सेंसिटिविटी आ गई, ठीक हो गया। ठीक है समझ आ गई सबको, तो एक और एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है क्लियर हो गया सबको आज का लेक्चर? चलिए ठीक है फिर, ओके अल्लाह हाफिज।